नमस्कार बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। बच्चों, तिथि हमारी है 23 दिसंबर 2020। कार्य पत्रक हमारा 71, विषय गणित, कक्षा है 10वीं। और आज का शीर्षक है रेखाखंड का विभाजन रचनाएं। क्रियाकलाप एक है, एक रेखाखंड को दिए अनुपात m अनुपात n में विभाजित करना। माना आप रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर है को 3:3:2 में विभाजित करना चाहते हैं। आप ऐसा कैसे करोगे? आइए रचना के चरणों द्वारा इसे समझें। यह आप m = 3 और n = 2 ले लीजिए। ठीक है, m 3 ले लिया और n 2। रचना के चरण, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर से न्यून कोण माना 60 डिग्री बनाती है कोई किरण AX खींचिए। तो सबसे पहले तो हमने ए बी खींचा, फिर उससे एक न्यून कोण बनाती हमने एक रेखा खींच ली। ठीक है, ये हमारी रेखाखंड है ए बी 8 सेंटीमीटर का। कितना है ए बी 8 सेंटीमीटर का हमारा ये रेखाखंड हो गया। ठीक है बेटा, और इधर हमने ये कोण बना लिया। क्या ये इस टाइप का हमने एक 60 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, 60 डिग्री का हमने कोण बना लिया इधर। और एम एन यानी एम और एन कितने हैं? एम है 3 और एन इक्वल टू है बराबर है 2। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। क्या होता है 3 और 2 कितने हो गए? 3 + 2 = 5। तो 5 हो गए। तो हमने ए एक्स पर m + n = 3 + 2 = 5 पांच बिंदु a1 a2 a3 a4 और a5 इस प्रकार अंकित किया कि a1 a2 पहले एक a1 हो, फिर a1 से हमने फिर चाप मारी, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक चाप मारी, फिर यहाँ से यहाँ मारी, फिर ऐसे ही यहाँ पे रखा, फिर इधर चाप मारी, फिर यहाँ से रखा तो इधर मारी, फिर इधर से इधर मारी पूरा। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने 5 चापे मार लिए, 1 2 3 4 5। प्रत्येक भाग आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, a1 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 a2 a2 a3 a3 a4 a4 a5 प्रत्येक भाग बराबर होना चाहिए। तब ए बी ए को 5 से मिला लिया, इसको हमने बी ए को, तब हमने क्या किया, बी को ए 5 से मिला लिया, इसको हमने मिला लिया ऐसे करके। ठीक है बेटा, इससे मिला लिया। बिंदु ए 3 पर m = 3 पर कोण 1, ये जो ये इसका ये कोण 1 है उसके बराबर ही हमने कोण 2 बना लिया। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे प्रकार खोल के चाप मारते हैं, ऐसे ए 3 से भी हम चाप मारेंगे। ठीक है, एक तो ए 5 से मारा हमने चाप, उतनी ही चाप हमने ए 3 से भी मार ली ऐसे करके। फिर हमने उसको नापा कि ये चाप यहाँ से रखे और यहाँ पर रखा हमने प्रकार की नोक, और फिर यहाँ पर ऐसे यहाँ तक हमने प्रकार नाप लिया कि कितनी है। फिर जितनी हमने प्रकार खुली हुई है, जो चाप है उसकी जितनी लंबाई है, उस फिर उसको प्रकार के एंड को यहाँ रखा, फिर यहाँ ऐसे काट दिया उसको ऐसे करके, और फिर इसको यहाँ से इसको यूं करके मिला लिया, सॉरी ऐसे करके जहाँ ये काट दिया इसको मिला लिया। सही है बच्चों। तो बिंदु ए 3 और बी ए कोण 1 और 2 के बना, ऐसा क्या करा है यानी जितना कोण है ऐसी प्रकार की चाहते थे कोण 2 भी बनाकर ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हुए रेखाखंड ए थ्री सी समांतर a5b खींचिए। देखिए आकृति है, जैसे यह इसके समांतर हमने एक रेखाखंड खींचे, इसके समांतर हमने याले इसकी रचना कर दी। और इसी तरह देखिए आकृति करते हैं, रेखाखंड a3c समांतर a5b खींचिए। देखिए आकृति एक, AC और CB की लंबाई को मापिए। आप क्या प्रश्न करते हैं, अपने उत्तर की का कैसे प्रमाण करेंगे? तो इसको मिला लिया, तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको हमने नापा, इन दोनों को नापा, तीन दो तो 3:2 बराबर AC = CB = 3/2 प्रमाण, क्योंकि A3 समांतर A5B भी है, तो A3C समांतर होगा A5B। अब A3 समांतर A3 = AC/CB आधारभूत समानुपाती प्रमेय द्वारा, परंतु रचना कैसे A3 / A3/5 = 3/2 अतः AC / CB = 3/2। इसे यह निष्कर्ष निकलता कि बिंदु CAB को अनुपात 3/2 में विभाजित करता है, 3:2 में विभाजित करता है। बेटा इसको एक अलग विधि से, क्रियाकलाप 2
क्रियाकलाप दो, ये वैकल्पिक विधि एंड दूसरा मेथड है। एक रेखाखंड को दिए अनुपात एम एन एन में विभाजित करना, तो रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर को 3:2 में ही विभाजित करना, पहला ही क्वेश्चन है लेकिन इसको दूसरे ढंग से कर रहे हैं हम। आज वैकल्पिक विधि द्वारा कैसे करोगे, आइए रचना करें कि चरणों द्वारा वैकल्पिक विधि समझे। यहाँ आप m इजिकल टू तो m इजिकल टू सॉरी 3 और n इजिकल टू 2 ले लीजिए हमने। रचना के कारण ए बी 8 सेंटीमीटर खेल लिया और वैसे से न्यून कोण माना स्थिति बनाती किरण कोई किरण ए एक्स खींचिए और दूसरा कोण बी एक्स के बराबर कोण ए बी आई बनाकर ए एक्स के समांतर एक किरण बी वाई खींचिए। तो बेटा आपने दोनों ओर आपने 60-60 डिग्री के कोणों की रचना कर दी, इधर भी ये 60 डिग्री का कोण बना लो प्रकार की सहायता से और इधर भी 60 डिग्री का कोण बना लो, ये भी 60 डिग्री का कोण है, कितना है 60 डिग्री का, यानी जो कोण हमने नीचे बनाया है वो ये जो ये कोण इधर बना है वही कोण हमने जो ए पे बना कोण जितने नाप का उतना ही बी पे नाप का होगा, दोनों ये ध्यान रखें न्यून कोण होंगे ठीक है। ए एक्स के बिंदु ए वन ए टू ए थ्री और बी वाई पे बिंदु बी वन बी टू एन बराबर टू है ना, यहाँ पर पहले मैं एम इजिकल टू 3 ले लिया और बी ए पे हमने एम इजिकल टू 3 ले लिया, 3 बिंदु ले लिए और बी वन पे हमने बी पर 2 बिंदु ले लिए, कैसे लिया कि ए वन ए टू ए वन ए ए वन ए वन ए टू ए टू ए थ्री बराबर होना चाहिए बी बी वन बी 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 बराबर बी वन बी टू। जितनी आपने एक बार चाप खोल ली बेटा, जैसे आपने चाप खोल ली यहाँ से चाप मारनी शुरू करते, एक ये चाप लगी आपकी यहाँ से लगी, चाप लगी आपकी इधर से ठीक है बेटा, यहाँ से चाप मारी यहाँ यहाँ से यहाँ ऐसे यहाँ से यहाँ ठीक है, 3 चापें मिली ऐसे यहाँ से वो चाप उतनी खुली रहेगी, बी पे रखा यहाँ पर मारा आपने ठीक है, ऐसे करके आपने कर देना उसको चाप यहाँ मारने यहाँ से यहाँ प्रकार की नोक हमने बी पे रखी है और पेंसिल की नोक इधर है तो एक है, फिर प्रकार की नोक यहाँ पर आ गई है फिर बी टू पे पेंसिल से आप मार ली, तो ये सारे चापें बराबर हैं। फिर आपने जो इसका जो ए थ्री को बी टू से मिलाइए, जो ए थ्री को हमने बी टू से मिला लिया, माना यह ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेदित करती है, तो ए सी और सी बी की लंबाई को मापिए, आप क्या प्रेक्षण करते हैं परिणाम ए सी की लंबाई अनुपात बी सी की लंबाई बराबर 3:2 बराबर ए सी अनुपात बी सी 3:2 प्रमाण कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए ए ए ए थ्री सी समरूप होगा त्रिभुज बी बी टू सी, अब ए ए थ्री बटे बी बी टू बराबर ए सी बटे बी सी, परंतु रचना द्वारा ए ए थ्री बटे बी बी टू बराबर 3:2 अतः ए सी बटे सी बी बराबर 3:2 ए सी अनुपात सी बी बराबर 3:2। बेटा मैं सबसे पहले आपसे कह रहा हूँ कि ये जितना भी आप करोगे ये काम ये आपने स्केल का प्रयोग करना है, स्केल और प्रकार और पेंसिल का ठीक है बेटा, इसमें स्केल प्रकार पेंसिल से ही बनाना है आपने, और ये जितने भी है सब कुछ आपने जितने रचना के चरण है ये सब लिखने, अंत में जाके आपने ये स्वयं प्रयास कीजिए के पहला और दूसरा प्रश्न करना है ठीक है बेटा, और उसमें भी प्रकार और पेंसिल का ही प्रयोग करना है, प्रकार पेंसिल से बनाने हैं आपने और फुट और स्केल भी लेना है ठीक है बेटा। अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश है कि कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, बेटा आप ये सलाह अपने दोस्तों साथियों सभी को दे जिनके भी जानकार हैं और खुद भी मास्क का प्रयोग जरूर करें, कोविड की रूथ की लड़ाई के लिए कोरोना कोविड से आप बचना चाहते हैं तो हमेशा मास्क पहन के रखें, जब भी बाहर जाते हैं आप खुद भी सुरक्षित रहें दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और खुश रहिए, धन्यवाद।